गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास नाइन्थ में अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का अगर मान लीजिए कि वीडियो अगर यूट्यूब पे देखना हो तो आप उसको कैसे देखेंगे, तो आप यूट्यूब पर जाके आप सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? डीएवी बालिका। यूट्यूब पर लिखना है डीएवी बालिका मैथ्स बाय संतोष। यदि आप उसको लिखेंगे तो उसमें बहुत सारा हर क्लास का है, तो नाइन्थ क्लास के ऊपर आप क्लिक करके हर चैप्टर का वीडियो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का छूट गया तो पीछे वाला वीडियो देखना चाहता है, वो लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कौन से चैप्टर उनको पढ़ना है, किसका देखना है, वो आप उसमें उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब पर वो क्लास मिलेगा। इसलिए आप यूट्यूब पर क्या लिखेंगे डीएवी बालिका मैथ्स बाय संतोष लिख के सर्च करेंगे तो अपने आप उसमें से आएंगे। और जिस क्लास का अगर आपको वीडियो देखना है नाइन्थ क्लास में कौन से चैप्टर का देखना है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जो भी देखना है तो उसको आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, और हम आपको क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए और समझाए भी थे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बताते हैं। अब तो आप लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको सूत्र भी याद होगा कि कैसे हम लोग उस सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम आपको फिर से बताते हैं कल युग के मेथड से, जो कल हम आपको समझाते हैं उसी मेथड से हम आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लिखे यहां पे 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए हम आपको कल बताए थे, कोई बताएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कितनी अनगिनत, दो कितनी निकाल सकते हैं, अनगिनत निकाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त जो बनाया और वो आप बनाए दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि मेथड अलग हो सकता है। अभी हम आपको एक ही मेथड बताया, सेकंड मेथड भी बताएंगे इस एग्जांपल के बाद दूसरे तरीके से कैसे बताएंगे। हो सकता है आपके बुक में जो दिया हुआ आंसर उससे आपका आंसर भिन्न हो, ठीक है। इसलिए आप अपने तरीके से जो जिस मेथड से बनाएगा उसका आंसर उस मेथड से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं a बराबर 1/3 और b बराबर कितना 1/2 और n 3 निकालना है, 1, 2, 3 पहली परिमेय संख्या निकालना होगा, n की जगह क्या रखेंगे बाबू 1, दूसरे निकालना होगा तो 2, तीसरे निकालना होगा तो 3 रखेंगे, ठीक है। चलिए लोग पहली परिमेय संख्या निकाल के देखते हैं। हमें लिख देते हैं पहली परिमेय संख्या पहली परिमेय संख्या, सूत्र याद है, सूत्र याद है ना, बताइए क्या होता है सूत्र, क्या लिखेंगे a प्लस एन बी बटा क्या लिखेंगे d n प्लस 1, याद है ना, यही सूत्र लिखवाया था, इसी सूत्र से हम लोग क्वेश्चन रखेंगे। वैल्यू को प्रूव करें, कर देखिए a है, a का वैल्यू कितना 1/3, a के जगह क्या रखते हैं 1/3 प्लस का प्लस ये n, n क्या है पहली परिमेय संख्या, n की जगह 1 इनटू ये b है, कितना 2, नीचे क्या होगा 1/2, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने आता है कल आपको समझाएंगे कि इसमें एलसीएम निकालना एकदम जरूरी है, समझना है ऐड ऑफ फ्रैक्शन, ऐड ऑफ सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6, 3 से भाग देंगे 2, 2 में 1 गुणा कितना 2 प्लस का प्लस, समझना है एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 से भाग देंगे 3, 3 में 1 गुणा 3, नीचे क्या है जी 2, जोड़ेंगे 3 और 2 कितना 5, 5 में कितना 6, नीचे कितना 2। अब देखिए, अब आप देखिए इसमें किसका बेस नहीं है, अब आप समझ रहे हैं कि
फाइव बाई सिक्स दो है, दो का बेस मीन नीचे क्या होगा वन, फाइव बाई कितना सिक्स, ये ऊपर क्या जाएगा वन, नीचे क्या होगा टू, यानी कि फाइव बाई कितना ट्वेल्व, पांच में पांच छोड़ना कितना बार, ये हो गया आपका कंप्लीट परिमेय संख्या, बन सकता है, ये होगा आपका कंप्लीट परिमेय संख्या, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ देखेंगे अगर थ्री बाई फोर हो, हम नीचे मान लेते हैं कि फाइव होता है, इसमें किसका बेस नहीं है फाइव का, जिसका बेस नहीं है उसके नीचे वन, थ्री बाई फोर ये ऊपर जाता है, वन बाई कितना थी फाइव, तीन एक कितना तीन, चार को कितना तीन, क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पांच लिखे, देखिए हम बोल क्या है पांच, और यार इंडेक्स तीन बटा दो, पांच और तीन बटा दो, किसका बेस नहीं है दो का, नहीं किसका बेस नहीं है पांच का, बोल रहे हैं देखिए क्या पांच तीन बटा दो, तीन बटा दो का बेस नहीं है, पांच का बेस नहीं है, पांच बटा कितना एक, ऊपर क्या जाएगा दो, नीचे कितना तीन, ठीक है दो ऊपर नीचे तीन, पांच में दस बटे कितना, इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार हम आपको निकाल लेते हैं दूसरी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, और तीसरी परिमेय संख्या जो है आप खुद अपने से निकाल लेंगे कि तीसरी हम लोग कैसे सॉल्व, देखिए दूसरी निकाल लेते हैं, दूसरी निकाल लेते हैं, तीसरी आप निकाल लेंगे, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या सूत्र तो यही है बाबू, ए के जगह क्या है वन बाई थ्री प्लस एन के जगह क्या रखे हैं दो, दूसरी निकालना है एन के जगह दो इंटू बी के जगह क्या है वन बाई टू, तो वन बाई कितना टू, नीचे एन के जगह दो प्लस कितना वन, अब देखिए गुणा में, गुणा में तो कट जाएगा क्योंकि जो कटेगा उसको क्या करके कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस का प्लस यहाँ कट गया तो क्या बचा वन, नीचे क्या बचा दो और एक कितना तीन, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी वन है, एलसीएम निकालेंगे तीन होगा, तीन से भाग देंगे एक, एक में तीन से तीन होगा, एक बार एक में एक सुनना एक होगा या क्या होगा एक, तीन से तीन एक, एक में एक सुनना एक, एक से भाग तीन, तीन में एक सुनना तीन, नीचे कितना तीन ये होगा ऊपर चार, नीचे कितना तीन, नीचे फिर तीन ये सही नीचे वन, ऊपर हो जाएगा फोर बाई थ्री, ऊपर वन जाएगा नीचे कितना थ्री, फोर बाई कितना नाइन, ये हो गया आपका दूसरी, तीसरी आप जो है खुद आप अपने से निकालेंगे कि तीसरी परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या आप अपने से बनाएंगे, तो दिक्कत किसी को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ये हुआ आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकालना, ये स्टेप फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मेथड बनाएंगे कि दूसरा मेथड कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेके भी आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप क्वेश्चन जो है ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा, एक बार पक्के से कोई भी नंबर लेके आप खुद क्वेश्चन को बनाइए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन को आप आसानी से बनाएंगे। देखिए स्टेप सेकंड में सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, अब हम आपको बताएंगे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड से क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी ध्यान रखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के अगर आपको क्वेश्चन ले लें, एक एग्जाम्पल में हम आपको क्वेश्चन को बता देते हैं, वही एग्जाम्पल जो पीछे वाला एग्जाम्पल हम ले लें वही समझा देते हैं, वन बाई थ्री और वन बाई टू, वन बाई टू के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें, तीन परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वही एग्जाम्पल देखिए यहां पे
हम लोगों को कैसे सॉल्व करना होता है, हर टाइप्स में हर मेथड में कुछ अलग अलग लगता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे कैसे हम लोग बता देंगे। हम यहाँ पे ए के जगह लिख ले 1/3, बी के जगह लिख ले 1/2, कितनी पर ये संख्या निकालना है जी। इसके पहले हम क्या करते थे, एन की जगह 1, 2, 3 लिखते थे, लेकिन यहाँ लिखिए एन की जगह 3, तो 3 पर संख्या निकाला और देखिए पहली पर पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जो नंबर आपको दिया हो ए और बी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालिए, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ के दो से क्या करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई कितना है 2। अब आप जानते हैं ए का वैल्यू क्या है 1/3, बी के जगह क्या है 1/2, नीचे क्या है ये 2। किसी को कोई प्रॉब्लम, ए के जगह 1/3, बी के जगह 1/2 का 2 ऐसे निकाल देंगे ना, ऐसे निकालेंगे तो कितना 100, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 3 बार में 3, नीचे कितना 2, ये हो जाएगा 5, नीचे कितना 6, नीचे 2, 2 का बेस है तो नीचे 1, ये होगा 5/6, ऊपर जाएगा 1/2, यानी 5/12, यही तो आंसर हुआ। समझ लेंगे एक बार फिर से कैसे हम इसको बता रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो नंबर दिया होगा वही दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग देंगे। एक जगह दिया गया 1/3 तो 1/3 लिख गए, प्लस का प्लस लिख गए, बी की जगह 1/2 तो 1/2, नीचे 2 है, ठीक है। जिनका जो एलसीएम निकल गया सॉल्व किया गया, इससे पहले हम आपको बताया। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या निकालना होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, अब देखिए इसके लिए एक स्टेप हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो देखिए 1/3 और 1/2, इस दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या निकालना है, इस दोनों के बीच निकालना है, इस दोनों के जो बीच निकालना है क्या निकालना है जी, 5/12, यही तो निकला है, इस दोनों के बीच निकालना है ये। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच निकाल दीजिए, नहीं तो ये दोनों के बीच निकाल दीजिए। जब ये दोनों के बीच निकालेंगे, दोनों निकाल सकते हैं, ये दोनों के बीच निकाल सकते हैं या ये दोनों के बीच निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों के बीच निकालेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरी परिमेय संख्या, और पर ध्यान देना, दूसरी परिमेय संख्या ये दोनों के बीच निकालेंगे 1/3 प्लस कितना 5/2, दोनों को जोड़ के कितना से भाग दी 2 से। जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 3 का एलसीएम कितना 12, 3 से भाग 4, 4 एकम कितना 4, प्लस 12 1 बार 1 में 5 गुना 5, नीचे कितना 2, अभी हो जाएगा 5 से 4 9, 9 बटा 12, नीचे कितना 2, इसका बेस है तो 1, फिर हो जाएगा 9/2, ऊपर क्या होगा 1, नीचे कितना 2, यानी कि 9/24, कटेगा तो कटा देंगे 3 3 का 9 8 3 का 24, यानी कि 3/1, ये क्या हुआ दूसरी परिमेय संख्या। देखिए इसमें तो भिन्न का जोड़ जो है थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अब एक चीज और आप देखिए, हम क्या निकाले थे, यहाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे, 1/3 और 1/2 के बीच हम क्या निकाले, एक 5/12 एक परिमेय संख्या। अब जब ये दोनों के बीच निकाले हैं कितना 9/3/8 क्या निकाल लिया गया, देखिए दो परिमेय संख्या इसके और इसके बीच दो परिमेय संख्या आपका निकल गया। अब आपको तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो अब आप क्या लिखेंगे, तीसरी परिमेय संख्या। अब आप ये दोनों के बीच निकाल दीजिए, जब ये दोनों के बीच निकालेंगे तो 1/3 प्लस, देखें यहाँ समझा रहे हैं क्या लिखेंगे, तीसरी परिमेय संख्या है, ये दोनों के बीच लिखेंगे 1/3 प्लस क्या लिखेंगे 3/1, नीचे कितना जी 2, लिख सकते हैं समझदार। इसके पहले क्या लिखेंगे, तीसरी परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं ना, ये दोनों के बीच क्या है 1/3 प्लस 3/8 भाई कितना 2, एलसीएम निकालेंगे ना कितना होगा 24, 24 की बार 12 24 हो, ठीक है, 3 से भाग 8, 8 में 1 का 8 को 9, इससे भाग 3, 3 में 3 से 9, नीचे क्या है 2, 8 को 9 17, 17 बटा कितना 24,
लिख रहे, बोर्ड पर समझ रहे हैं कैसे लिख रहा है। अब देखिए, अब आपको क्या था, 1/2 और 1/3 के बीच, इसी के बीच आपको परिमेय संख्या निकालना था। तो पहले आप कितना निकाले, 5/12, इसके बीच निकाले आप कितना, 5/12, इसके बीच निकाले कितना, 3/8, और ये दोनों के बीच क्या निकाले, 17/48। देखिए ये दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, इसको जरूर समझ आएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और उस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो हम आपको क्वेश्चन देंगे उसमें आपको 3 ही परिमेय संख्या को फाइंड करना है, ठीक। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, हम यही लेते हैं 1/4 और 1/3, कितना निकाल रहा है बाबू, 3, ठीक है। दूसरा नंबर 1/2 और 1/5, कितना निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1/2/3 और 5/4, कितना निकालना है, 3 ही निकालना है। चौथा नंबर 1/3/2 और 1/5, कितना निकालना है, 3। ये चार क्वेश्चन जो है आप इसको चार क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का यदि नंबर नहीं जुड़ा होगा तो आप इन्फॉर्म करेंगे, हम उनका नंबर जो है जोड़ देंगे। आप एक दूसरे को बताएंगे, वो उसको बताएंगे, वो उनको बताएंगे, तो उससे उनका नंबर, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।